हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। इंडियन इकोनॉमी की क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद लाभदायक, इसके साथ साथ अन्य एग्जाम्स के जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें जीके के पोर्शन में आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगी। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे आज हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक जो है ये काफी लंबा टॉपिक रहा, तो राष्ट्रीय आय का टॉपिक है आज कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ आज हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। उसमें पढ़ेंगे बैंक क्या होते हैं, बैंकों का जो भारत में जो इतिहास है, विकास है, डेवलपमेंट इवोल्यूशन है, किस प्रकार से उनका विकास हुआ स्वतंत्रता के पूर्व से लेकर के अभी तक, किस कैसे जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ। सो आज हम लोग इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है सभी। सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को, यदि आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एमबीपीएससी का प्री का एमबीपीएससी प्री हो, मेंस हो, स्टेट सर्विस एग्जाम हो, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम हो, या एसआई का एग्जाम हो, या वेपन को कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए एक ही सब्सक्रिप्शन जहां से आप कंप्लीट बैचेज, एक नहीं बल्कि मल्टीपल बैचेज, मल्टीपल एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। आपको दिन दोपहर सुबह शाम लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन एक ही है, कॉमन सब्सक्रिप्शन। अभी चल रहा है ऑफर जिसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का बिल्कुल फ्री मिलेगा और 24 मंथ्स का लेने पर 6 महीने का फ्री मिलेगा। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं और डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड है TANDEY, रेफरल कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन जरूर सुनिश्चित करें। TANDEY पांडे रेफरल कोड याद रखना आप सभी को, जिससे आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो डिस्काउंट के साथ सुनिश्चित होगा। चलिए तो आज के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस किया कि राष्ट्रीय आय में दो छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक परिभाषा है जिसके बारे में कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग फैक्ट भी आ सकता है, और दूसरा हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसमें राष्ट्रीय आय के का मापन के टॉपिक में, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस किए, यानी कि जो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हैं उन राष्ट्रीय आय के अवधारणाओं को डिस्कस किया, जिसमें जीडीपी के बारे में डिस्कस किया, एनडीपी के बारे में डिस्कस किया, जीएनपी के बारे में डिस्कस किया, एनएनपी के बारे में डिस्कस किया। बट वी हैव नॉट डिस्कस टिल नाउ हाउ द नेशनल इनकम इज मेजर्ड, व्हाट आर द मेथड्स थ्रू विच द नेशनल इनकम इज मेजर्ड, यानी कि किन विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, किन विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। सो ये हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। सो राष्ट्रीय आय लेखांकन ये दैट मींस नेशनल इनकम अकाउंटिंग राष्ट्रीय आय लेखांकन जो है ये टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानना, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। हम कई बार एक्चुअल में ये जो पूरी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ना, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब अल्टीमेटली एक ब्रॉडर टॉपिक के तहत आते हैं, और वो ब्रॉडर टॉपिक है आपका नेशनल राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। राष्ट्रीय आय की गणना करना, राष्ट्रीय आय के आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठा करके जो है बेहतर से बेहतर तरीके से जो है कैलकुलेट करके बेस्ट मेथड्स के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, बिना किसी कमी के और राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रदर्शित करना, एक्चुअल में ये राष्ट्रीय आय लेखांकन का ही पार्ट है। और इसको हम क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं के अध्ययन तथा इनसे संबंधित सभी सूचनाओं तथा तथ्यों को सांख्यिकी विवरणों तथा खातों के रूप में प्रदर्शित करने के तरीकों को राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने से संबंधित, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को इकट्ठा करने से संबंधित, उस समस्याओं का निदान करते हुए और बेहतर से बेहतर, जैसे मैंने कहा कि एक स्टैंडर्ड मेथड्स के माध्यम से, आप सबसे पहले तो अकाउंट तैयार करना, यानी कि जो आंकड़े हैं उनको सांख्यिकी स्टेटिस्टिकल जो विवरण है उन विवरणों को इकट्ठा करना, और इसके बाद जो है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करना, ये पूरा का पूरा जो काम है इसको क्या कहा जाता है, इसी को नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहा जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना ये टॉपिक है, ये राष्ट्रीय आय लेखांकन के तहत ही होता है। लेखांकन करेंगे, अकाउंट तैयार करेंगे,
विवरण प्रस्तुत करेंगे, उन विवरणों का अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। यही सारी चीज आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जनक माना जाता है, फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसको माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक जो है माना जाता है, वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो यहां पर आप सभी को याद रखना है, ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग, दैट मींस राष्ट्रीय आय लेखांकन जिसे हम कहते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसे हम राष्ट्रीय आय लेखांकन कहते हैं, यानी कि ये आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन के जो जन्मदाता माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो किसको माना जाता है? फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। याद रखना है आप सभी को, ये कभी भी फैक्ट्स किसी भी जीके के पेपर में, जीएस के पेपर में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। याद रखना आप सभी को। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हमने दोस्तों याद रखना है आप सभी को, याद रखना है आप सभी को, देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हमने डिस्कस की है। क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किया है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। Concepts of National Income, ये हमने डिस्कस किया। इस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय आय के प्रमुख रूप से चार अवधारणाएं होती हैं, जिसमें से एक जीडीपी है, दूसरा आपका एनडीपी है, तीसरा आपका जीएनपी है और तीसरा आपका क्या है? एनएनपी। तीसरा क्या है? एनएनपी। ये राष्ट्रीय आय की हमने चार अवधारणाएं डिस्कस की। बट क्या हमने ये देखा, क्या हमने ये समझा, क्या हमने ये जाना कि आखिरकार इनको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे वो एनडीपी की हो, चाहे वो जेएनपी की हो, चाहे वो एनएनपी की हो, ये चारों चूंकि वैल्यू राष्ट्रीय आय को ही प्रदर्शित करते हैं, चारों वैल्यू राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसको राष्ट्रीय आय माने, डिपेंड करता है कि हम किसको राष्ट्रीय आय माने। देखिए अल्टीमेटली जैसा हम कहते हैं कि हमारे पास चार रास्ते हैं, चार रास्तों में से एक उबड़ खबड़ थोड़ा सा रास्ता है, एक अच्छा रास्ता है लेकिन वो लंबा रास्ता है, तो वैसा ही है कि हम किसको एक्चुअली मान रहे हैं कि एक्चुअल में जो है वो। अब देखिए, दूरी मापेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग रूट जाएंगे, भले ही रास्ता अच्छा है, कोई कहेगा कि ये भाई इधर से जाना बेहतर है, कोई कहेगा नहीं यार शॉर्ट रास्ता पकड़ो, भले ही उबड़ खाबड़ है। तो ये अल्टीमेटली हमें स्वीकार करना है कि हम दूरी कौन सी माने, लंबी वाली दूरी या शॉर्ट वाली दूरी। सो वैसा ही है कि ये है तो चारों ही रास्ते आए, पर आखिरकार हाउ वी कैलकुलेट इट, यानी कि मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, ये जो है ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया।
कि आखिरकार राष्ट्रीय आय को मेजर कैसे किया जाता है, किन तौर तरीकों से जो है राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जाता है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सो दोस्तों, राष्ट्रीय आय को चाहे यानी कि चाहे जीडीपी को, चाहे एनएमपी को, चाहे जीएनपी को या एनएमपी को, मापने के प्रमुख रूप से तीन तरीके हो सकते हैं। देखिए, तीन तरीके कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर तरीकों के नाम लिखता हूं। एक तरीका तो ये हो सकता है, देखिए एक तरीका तो ये हो सकता है कि भैया जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, गेहूं के प्रोडक्शन में हमने क्या किया, हमने वैल्यू एडिशन किया यानी कि मूल्यवर्धन किया। तो गेहूं में जब हमने मूल्यवर्धन किया, गेहूं के पहले हमारे पास क्या होते थे, गेहूं के बीज थे। अब बीज से हमने क्या किया, इसमें मूल्यवर्धन किया, हमने मूल्यवर्धन किया, वैल्यू एडिशन किया, तो क्या गेहूं उत्पादन हुआ। गेहूं में हमने वैल्यू एडिशन किया तो आटा बना, आटे में हमने वैल्यू एडिशन किया तो क्या बना, आटे से वैल्यू एडिशन किया तो ब्रेड बनी। अब ब्रेड में हमने वैल्यू एडिशन किया तो क्या बना, वैल्यू एडिशन ही है, हर जगह मूल्यवर्धन ही है, तो ये क्या बना, ये बना ब्रेड पकौड़ा बना। तो यहां पर आप समझिए, ध्यान से समझना है, हर प्रक्रिया में क्या हो रहा, प्रत्येक प्रक्रिया में, प्रत्येक चाहे वो हम बीज से, सीड से, व्हेन वी प्रोड्यूस वीट फ्रॉम द सीड्स, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, बिकॉज वी आर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स एंड वी आर एडिंग द वैल्यू इन द सीड्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट दैट इज प्रोडक्शन। यानी कि जो प्रक्रिया है कि हम ये प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या हुई, ये वैल्यू एडिशन जो है, ये जो मूल्यवर्धन किया, ये गेहूं हुआ, गेहूं बना, गेहूं में हमने मूल्यवर्धन किया तो आटा बना, आटा में हमने मूल्यवर्धन किया तो ब्रेड बना, ब्रेड में हमने मूल्यवर्धन किया तो ब्रेड पकौड़ा बना। अब इसके आगे कुछ नहीं बनेगा, बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं, काट वाट के इधर उधर करके बाकी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बट एक्स वाई जेड यहां पर अब ये ब्रेड पकौड़ा वाला ब्रेड बेचेगा। तो अंतिम उत्पाद यहां पर क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ ये। अब हो सकता है कि ये आटा हम घर ले आते, तो रोटी बना करके खा जाते, तो फाइनल प्रोडक्शन यही पर, जीवन का अंत यही पर हो जाता इसके, ये फाइनल प्रोडक्शन हो जाता। लेकिन हम कहां पर ले गए, हमने उसे ब्रेड बनाया। हो सकता है कि रेस्टोरेंट वाला इसको आटा को ले जाता, तो रेस्टोरेंट वाला भी क्या करता, उसमें वैल्यू एडिशन करता और रोटी हमें बेच देता। पर मेरा जो पॉइंट है समझाने का कि प्रत्येक प्रक्रिया में ये जो मूल्यवर्धन हो रहा है, इसमें ये जो प्रत्येक प्रक्रिया में मूल्यवर्धन हो रहा है, इस बीज से और मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन, ये जो आप फाइनल प्रोडक्ट तक करते जाएंगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आएगा, यही तो प्रोडक्शन है, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका इनकम है, यही क्या है, इनकम है। तो ये जब भी कभी कैलकुलेट करना है जीडीपी को, जीएनपी को, एनएनपी को, जीएनपी को, तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि जो हमने पहला ये था हमारा बीज, इसमें हमने वैल्यू एडिशन जितनी भी बार हमने किया, वो वैल्यू एडिशन को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या निकल करके आएगा, हमारा इनकम निकल कर गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, इसी तरीके को क्या कहा जाता है, दोस्तों इस यानी कि जीडीपी के या राष्ट्रीय आय के इस मापन की विधि को उत्पादन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन मेथड कहा जाता है, या इसी को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है, यानी कि वैल्यू एडिशन मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैल्यू एडिशन मेथड कहा जाता है। अब सिंपल सा ये समझिए कि जब किसी कार्य के लिए चंदा लिया जाता है, चैरिटी में लिया जाता है ना डोनेशन, जब चंदा लिया जाता है तो क्या होता है, एक ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, तो जितना भी वैल्यू एड होता जाता है हम उसको एडिशन ही करते जाते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू होगी वही आपका प्रोडक्शन होगा। सेम इसी प्रक्रिया में वैल्यू एडिशन मेथड में यही होता है। यानी कि उत्पादन, ये राष्ट्रीय आय के मापन की एक विधि हो गई, क्या, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि या वैल्यू एडिशन मेथड, या आपका क्या हो गया, मूल्यवर्धन विधि। अब यहां पर समझिएगा, कोई कंपनी है मान लीजिए, सपोज ये कोई कंपनी है, अब इस कंपनी ये कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन जब करती है तो ये प्रोडक्शन के साधन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
यानी कि उत्पादन के कारण या उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, जिन साधनों के माध्यम से, जिन साधनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, क्या एक प्रकार से इनपुट है। अब ये कंपनी क्या करती है, ये क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, ये क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। तो दो चीजें हो सकती है। देखिए हमारे परिवार का, परिवार का या सेम इसी प्रकार से यहां पर भी ले सकते हैं। मैं एक और पहले कनेक्टर देता हूं एक चीज को, एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए हमारे परिवार की इनकम को जोड़ना है, भाई हमारे परिवार की इनकम कितनी है। तो हमारे परिवार की इनकम को यदि हमें जोड़ना है कि परिवार की इनकम कितनी है, तो दो तरीके से आप जोड़ सकते हैं। एक तो ये कि जिन जिन सोर्सेस से, जिन जिन संसाधनों सोर्सेस से, या आप ये कह सकते हैं कि जहां से पैसे आते हैं या इनकम जनरेट होती है, उन सभी साधनों से आए हुए पैसों को जोड़ दिया जाए। समझिएगा, उन सभी आए हुए साधनों से पैसों को जोड़ दिया जाए, और इसके बाद जब इकट्ठे हो गए, एक तरीका तो वो टोटल इनकम होगी हमारी। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि जितना हम खर्च करते हैं, जहां जहां पर खर्च करते हैं, और यदि बचत करते हैं, तो उस बचत को भी यदि इकट्ठा जोड़ दिया जाए, तो जितना पैसा आया उतना ही तो खर्च होगा, उतना ही तो खर्च होगा। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों वैल्यू बराबर होगी, दोनों वैल्यू, यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों वैल्यू बराबर होगी। तो जितना पैसा आया यदि उसको जोड़ दिया जाए, यानी कि यहां पर देखिए जितना खर्च किया जा रहा है, जितना खर्च किया जा रहा है उसको जोड़ दिया जाए। अब इनका जब जिन उत्पादनों के, उत्पादन के साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है, उनका मूल्य भी तो अदा करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था वितरण। वितरण का मतलब कि यदि भूमि का किराया, भूमि का, भूमि की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंट। हमारी पूंजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पूंजी की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल की इंटरेस्ट, प्लस हमारी उद्यमशीलता की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी प्रॉफिट। प्लस इसके साथ साथ यदि मशीनरी वगैरह का प्रयोग किया है, जिसका भी प्रयोग किया है, तो उसकी भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, या कोई मजदूर है मजदूरी कर रहा है तो उसकी भी हमें वेज देना पड़ेगा। तो यहां पर जो आय होगी, यहां पर क्या है, आय, जितनी भी आय है, जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उसकी वैल्यू देना पड़ेगा। और यहां पर क्या है, जितना भी खर्च किया जा रहा है, तो ये खर्च इक्वल टू इनकम, दोनों बराबर होगा। जितना ही खर्च होगा उतनी तो इनकम होगी। तो यानी कि जितना पैसा हमारे पास आया उतना ही खर्च हुआ। यदि चाहे इसको इस तरीके से आए हुए पैसे को जोड़ दिया जाए, चाहे गए हुए पैसे को जोड़ दिया जाए, दोनों बराबर होंगे। तो इसी आधार पर, इसी आधार पर देश में राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक इनकम मेथड हो जाएगा और एक एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा, व्यय विधि, और एक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कौन सी, प्रोडक्शन मेथड, जिसे मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। तो इसी आधार पर राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां कितनी होती हैं, राष्ट्रीय आय के मापन की तीन विधियां होती हैं। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय के मापने के तीन तरीके होते हैं, तीनों में से किसी भी तरीके से मेजर कर लिया जाए, तीनों वैल्यू बराबर होगी। हालांकि प्रैक्टिकली बराबर नहीं होती, प्रैक्टिकली बराबर नहीं होती। प्रैक्टिकली बराबर नहीं होती। वॉइस क्लियर है सभी को, एक बार कंफर्म कर दें। चलिए ठीक है। सो यहां पर राष्ट्रीय आय के मापन की प्रमुख रूप से किसी भी देश में राष्ट्रीय आय को मेजर किया जाएगा, तो राष्ट्रीय आय को मेजर करने के लिए तीन विधियां हैं। अब तीनों में से किसी भी विधि से मेजर कर लिया जाए। एक व्यय विधि है एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन मेथड, दूसरा आय विधि है इनकम मेथड। ये व्यय विधि को ही उपभोग विधि कहा जाता है, यानी कि जितना हम खर्च करेंगे, खर्च क्यों करते हैं, उपभोग के लिए तो खर्च करते हैं ना, तो जितना खर्च करेंगे उपभोग वही है। दूसरा आय, जितना आया, जितना आया, एक तो ये है कि हमारे दिया द्वारा किया गया खर्च, यानी कि उपभोक्ता परिवारों द्वारा किया गया व्यय, अर्थात निजी उपभोग, निजी उपभोग जो हम खर्च करते हैं। दूसरा जो देश में निजी फर्म्स हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं, और दूसरा जो सरकारी, सरकारी खर्चा है,
यानी कि एक उपभोक्ता हमारे यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर फैमिली होती है, उनके द्वारा किया गया खर्च या कंज्यूमर हाउसहोल्ड कह सकते हैं। दूसरा निवेश व्यय, निवेश व्यय का मतलब जो कंपनियां होती हैं वो कंपनियां निवेश करती हैं, बाकी तो हमें दे देती हैं ऑब्वियसली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, और सरकारी क्षेत्र को द्वारा सरकार के द्वारा भी व्यय किया जाता है। तो इसी को यदि जोड़ दिया जाए, बस इसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का मतलब ये होता है, सिंपल सा ये है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट व्यापार भी तो करते हैं। अब ये एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता है या इम्पोर्ट ज्यादा हो सकता है, उस स्थिति में प्लस माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि ये हमारा कंजप्शन है, ये जो है आपका आई क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, और जी क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा है, तो ये आपका क्या कहलाया, प्लस इसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये टोटल आपका क्या कहलाया, ये आपका कहलाया दोस्तों जीडीपी, हमारी वैल्यू निकल करके आएगी। ये आपका क्या है, जितना भी खर्च है उस खर्चे को जोड़ दिया जाए। और इसके साथ साथ दूसरा है आय विधि, आय कहां से होगी, आय के तरीके कौन कौन से हैं, वेज देना पड़ेगा, पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना, किसी मजदूर से काम करवा रहे हैं, किसी से भी मेहनत करवा रहे हैं तो मेहनताना तो देना पड़ेगा, टोटल कुल किराया जिसे हमने कहा था भूमि का, प्लस इसके अलावा कुल लाभांश और इसके अलावा टोटल इंटरेस्ट। ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है श्रम की, वैल्यू ऑफ लेबर, ये क्या है, वैल्यू ऑफ लेबर, ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ लैंड, ये वैल्यू ऑफ लैंड यानी कि भूमि का किराया है, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की, उद्यमिता का मूल्य है, ये क्या है, उद्यमिता का मूल्य, कुल ब्याज, ये क्या है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ कैपिटल। हम भाई यार मान लीजिए कोई रोजगार, हमने दुकान खोली, दुकान में 2 लाख रुपए लगा दिए, अब दुकान में 2 लाख रुपए लगा दिए, यदि हम नहीं लगाते, यदि हम नहीं लगाते तो हम उससे क्या करते, बैंक में पैसा जमा करते, बैंक से हमें ब्याज मिलती, तो इसकी भी तो वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, हमें इसकी भी तो वैल्यू इंटरेस्ट के रूप में लेनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया दोस्तों, ये टोटल याद रखना आप सभी को, इसको क्या कहा जाता है, आय विधि कहा जाता है, यानी कि इनकम मेथड कहा जाता है। और तीसरा तरीका है आपका, तीसरा उत्पादन या मूल्यवर्धन विधि, ये हमने डिस्कस किया था कि आप जोड़ते जाइए जितना भी मूल्यवर्धन होता जा रहा है, और फाइनल को, इसीलिए इसीलिए हमारे देश में एक सिस्टम भी, और किसी भी देश में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या पढ़ा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि सकल सकल मूल्यवर्धन, क्या पढ़ा जाता है, सकल मूल्यवर्धन। सकल मूल्यवर्धन को पढ़ा जाता है। तो ये हो गए आपके 3 तरीके, ये मेंस में भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न, और कई बार प्री में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो है कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है, एक राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो 3 विधियां हैं, एक को आय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है, या उसी को कंजप्शन मेथड, उपभोग विधि कहा जाता है। दूसरा आपका इनकम मेथड होती है, आय, एक मैंने आपको व्यय विधि बताया, सॉरी, एक व्यय विधि जिसे एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है, व्यय विधि, उसी को कंजप्शन मेथड, उपभोग विधि कहा जाता है। दूसरा इनकम मेथड है, आय विधि, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड जिसे हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, यानी कि उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो है 3 विधियां हैं, तीनों में से रिजल्ट जो है सेम आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से कई बार जो है रिजल्ट सेम नहीं भी आता है, क्योंकि कई बार आंकड़े इकट्ठा करने वगैरह में देख, कई बार देखिए हम क्या होता है कि हम इनकम तो देखते हैं कि इतनी है, इनकम तो देखते हैं इतनी है, फिर सोचते हैं खर्चा कहां पर हुआ। अब उस खर्चे में से एकाध डेटा जो है वो यदि गोल हो गया, खर्चे में से एकाध डेटा यदि गोल हो गया, तो फिर हमारा वैल्यू सेम नहीं आती, फिर हम हमेशा परेशानी रहते हैं कि आखिरकार ये वैल्यू गई कहां, ये खर्चा कहां पर हो गया। सो अल्टीमेटली जो है जितनी इनकम होती है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर होती है, कई बार एकाध आंकड़े वगैरह जो है डाटा वगैरह वो हमसे मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 विधियां प्रमुख रूप से होती हैं, तीनों के रिजल्ट सेम आएंगे, लेकिन कई बार थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है।
ठीक है। अभी इस टॉपिक में राष्ट्रीय आय का टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है, लेकिन अभी सेशन समाप्त नहीं हुआ, अभी हम बैंक आज ही शुरू करेंगे, इसी क्लास में शुरू करेंगे, बैंकिंग का इतिहास शुरू करेंगे। दोस्तों लेकिन उसके पहले आप दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यदि आप लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से नहीं जुड़े, मेरे प्रोफाइल पर जाकर के फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, क्योंकि पीडीएफ जो है आपको जो है वो कहां पर मिलेगी, वो एजुकेटर कम्युनिटी पर मिलेगी। तो आपको जुड़ना कैसे है, कैसे यहां तक पहुंचना है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके मोबाइल पर क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ये आप सर्च करेंगे, जब सर्च करेंगे तो इसके बाद आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको गोल सेलेक्ट करने को आएगा, या आपको सबसे पहले यदि पहली बार जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगी। तो ईमेल आईडी जो भी आपको, आपके घर आपकी नहीं है तो आपके घर वालों की डाल दीजिए, अपने घर वालों का भी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद गोल सेलेक्ट करने को आएगा, तो गोल आप या तो सर्च भी कर सकते हैं या स्टेट पीएससी के सेक्शन में जाकर के क्या सेलेक्ट करना है आपको, मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम। क्या सेलेक्ट करना है, मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम, ये कॉमन गोल है। अब आपको मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए पहले अलग अलग गोल था, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऊपर आपको सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च करेंगे नीरज पांडे, ये मेरा नाम है नीरज पांडे, इसको सर्च कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। कम्युनिटी का भी ऑप्शन आएगा तो कम्युनिटी में आप जाकर, मेरे प्रोफाइल पर ही मिल जाएगी कम्युनिटी, यहाँ पर जाकर के आप मेरे जितने भी, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप जो है जो भी शेयर किया जाता है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जितने भी मैसेजेज है मेरे वो आप यहीं पर प्राप्त कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल पर फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। फ्री क्लासेस के लिए सिर्फ स्कोर की आवश्यकता होगी, और प्लस क्लासेस भी मिल जाएंगी, बैच कोर्सेस की भी लिंक मिल जाएगी। तो आपको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्कोर की आवश्यकता होगी, PANDEY स्कोर से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी के लिए मेरे साथ और अन्य एजुकेटर सबके लिए कॉमन सब्सक्रिप्शन है। ये मेरे कोर्सेस हैं जो आप पेड कोर्सेस प्राप्त कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर वे में। आप यदि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 कंप्लीट आपको मिलेगा। इसके अलावा एमबीपीएससी प्री की यदि हम बात करें तो एमबीपीएससी प्री में यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 10 ये आपको मिल जाएंगे। तो इसका फायदा जरूर सभी लोग उठाएं, ये एमबीपीएससी प्री के लिए। तो इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि यदि सब्सक्रिप्शन है तो कॉमन सब्सक्रिप्शन है, आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना, अलग अलग एजुकेटर के लिए, अलग अलग बैचेस के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, एक बार थोड़ा सिलेबस को हम लोग गौर कर लेते हैं, फिर बैंकिंग में आते हैं। यदि हम बात करें जो अभी तक हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये टॉपिक विशेषकर हम पढ़ रहे थे एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के हिसाब से। हालांकि ये मेंस में आपका टॉपिक है, और कभी भी जब अर्थव्यवस्था का टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो डायरेक्टली सिलेबस में हो या ना हो हमें पढ़ना होता है। इंडियन इकोनॉमी शब्द लिखा हुआ है, ये अपने आप में संपूर्णता को लेता है, सभी टॉपिक इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो जब भी आप आंकड़े वगैरह पढ़ते, जब भी अखबार पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक समझ में, क्योंकि जीडीपी वगैरह शब्द, आर्थिक वृद्धि समृद्धि, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो हालांकि मेंस में हमारे टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आप डायरेक्टली टॉपिक है यहाँ पर, ये मेंस में, यहाँ तो पढ़ना ही है हमें सभी को, क्योंकि मेंस भी तो देना है। अब आते हैं कि डायरेक्टली हमारे ये चीज यहाँ पर मेंशन नहीं है डायरेक्टली, लेकिन जो चीज मेंशन है यहाँ पर आप देखें, इंडियन इकोनॉमी में ये यूनिट नंबर सिक्स में ये क्या है, यूनिट नंबर सिक्स की यदि बात करें तो यूनिट नंबर सिक्स में आपका इंडियन पॉलिटी है, और पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है। तो इसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन जो अभी हम कर रहे हैं उसमें अभी शुरू करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थानों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो जिसमें अगर हम शुरू करेंगे कहां पर,
बैंक से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैंक और प्लस इसके अलावा आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से हम लोग शुरू करने वाले, ठीक है, सबसे पहले यहीं से शुरू करने वाले। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलिए अभी चलते हैं हम कहां पर, बैंक का, बैंक के टॉपिक में चलते हैं। समझते हैं क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर अप करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि आखिरकार बैंक क्या है, बैंक होते क्या है, बैंक का रोल क्या होता है, बैंक की भूमिका क्या होती है, बैंक की भूमिका क्या होती है। दूसरा, बैंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, भारत में हमें बैंकों को, दुनिया भर के बैंकों का इतिहास नहीं जानना है, दुनिया भर के बैंकों का इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें किसका पढ़ना है, हमें भारत में बैंकों का इतिहास पढ़ना है। तो भारत में हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की हम बात करें तो इसको ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बैंकों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, तभी आप सुनते होंगे सरकारी बैंक, तो आखिरकार क्या सरकारी बैंक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप सुनते होंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, भारतीय बैंक, विदेशी बैंक, ऐसे बहुत से क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड के बारे में सुनते होंगे। फिर और भी जैसे मुद्रा बैंक है, तरह तरह के कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे। तो आखिरकार ये क्या है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मुद्रा बैंक वगैरह के बारे में तो विशेषकर हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर यदि हम बात करें पेमेंट बैंक के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लघु वित्तीय बैंक के बैंक के बारे में पढ़ा होगा आपने, जो है जैसे हमने कहा पेमेंट्स बैंक, भुगतान बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके साथ साथ, इसके अलावा मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके साथ साथ गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेशन। तो ये आपके टॉपिक हैं, ये आपके टॉपिक हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी शुरू करते हैं कहां पर, शुरू करते हैं यहां से, बैंक्स आखिरकार होते क्या, ठीक है। सो देखिए, समझिएगा दोस्तों, हम एक सिंपल सा पहले दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। हम मान लीजिए क्या है, हम प्रोड्यूसर, हम उसी चीज का उत्पादक हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं। एक उत्पादक जो होता है, एक उत्पादक जो होता है ये उत्पादन करता है वस्तुओं का, प्रोड्यूसर जो होता है ये क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है, और एक उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं को उपभोग करता है। एक उपभोक्ता होता है, एक उपभोक्ता होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है यानी कि कंज्यूमर, यानी कि क्या होता है, कंज्यूमर होता है। अब उत्पादक जो है ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, और उपभोक्ता जो है वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। लेकिन जो उत्पादक है उस उत्पादक क्या करता है, उत्पादक उपभोक्ता को बेचता है, यही है ना। उत्पादक की आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता यह है कि मुझे सेल करना है, मुझे सेल करना है, मुझे बेचना है। अब यदि इसे सेल करना है, बेचना है, और इसे क्या करना है, इसे खरीदना है, इसे क्या है, इसे खरीदना है, यह है टू परचेज, इसे क्या करना है, इसे खरीदना है। अब यहां पर आपको यह समझना है यहां पर आपको यह समझना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं,
मैं प्रोड्यूसर हूं, आप कंज्यूमर हैं। अब मुझे कोई चीज बेचनी है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज मुझे बेचनी है। अब मुझे यदि बेचनी है, तो और आपको खरीदनी है वही चीज, इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में किसी को कैसे पता कि मुझे कोई चीज बेचनी है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी को कोई चीज खरीदनी है, वो चीज जो मैं बेच रहा हूं उस खरीदनी है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो एक शायद इवोल्यूशन के फेज में एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे हम बाजार कहते हैं, और उस बाजार को एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, बाजार जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बाजार कहते हैं, बाजार यानी कि हम जिसे मार्केट कहते हैं। अब इस मार्केट में क्या हुआ, इस बाजार में ध्यान से समझिएगा, ये बाजार क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पर जैसे ट्रेन कहां पर आती है, प्लेटफॉर्म कहते हैं, प्लेटफॉर्म चलते हैं। अब हमें क्यों, क्योंकि ट्रेन जानती है कि सवारी प्लेटफॉर्म पर आई होगी, और हम जानते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई होगी, और फिर जाकर के दोनों का मिलन होता है, ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर हम यात्रा करते हैं। सेम उसी प्रकार से एक विक्रेता जो होता है, जिसे बिक्री करनी है, और एक खरीदार जो है, जो क्रेता है, उन दोनों को एक दूसरे को नहीं पता कि विक्रेता कौन है, और विक्रेता को नहीं पता कि क्रेता कौन है। तो वो दोनों जाते हैं कहां पर, एक ऐसी जगह पर जाते हैं, कॉमन सी जगह, जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों का मिलन होता है, जहां पर कंज्यूमर और प्लस इसके अलावा प्रोड्यूसर दोनों का मिलन होता है, और दोनों मिलते हैं, और एक क्रेता कहता है कि मुझे खरीदना है, और विक्रेता कहता है कि मुझे बेचना है, और क्रेता और दोनों विक्रेता दोनों क्या है, यहां पर मिलते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जो पहले से डिटरमाइंड होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाएंगे तो हमें क्रेता मिल जाएंगे, ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम जाएंगे तो हमें विक्रेता मिल जाएंगे। तो वो दोनों एक कॉमन सी जगह पर जाते हैं जिसे हम बाजार कहते हैं, यानी कि बाजार क्या हुआ, बाजार एक माध्यम हुआ, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म हुआ, एक माध्यम हुआ, एक लिंक हुआ, एक लिंक एक के रूप में, कड़ी के रूप में कार्य करता है बाजार, जो क्रेता और विक्रेता दोनों को मिलाता है, यही सिस्टम है, दोनों का फायदा हुआ। तो बाजार क्या है, एक माध्यम है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बैंक का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में बैंक का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, बैंक का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। अब बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए सपोज बैंक का कॉन्सेप्ट कैसा है, बैंक भी बाजार की तरह ही, एक लिंक की तरह ही, एक मध्यस्थ की भूमिका के रूप में ही, इंटरमीडिएटरी रोल में ही रहते हैं। जिसके पास पैसा है, वो पैसा उधार देना चाहता है, ये क्या है, उधार देना चाहता है, He wants to lend money। ये क्या है, ये उधार देना चाहता है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करना चाहता है, वो पैसा उधार लेना चाहता है, He wants to borrow money। जिसके पास पैसा है वो उधार देना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो उधार लेना चाहता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो उधार देना चाहता है, लेकिन लेना लेने वाला कौन है, ये कैसे पता चलेगा जिसके पास पैसा है कि वो उसे उधार देना है तो वो किसको देगा, उसको कैसे पता कि किसी को उधार लेना है।
और किसी को उधार लेना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे मुझे जो है उधार देना मिस जो है मुझे उधार लेना है। तो एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व हुआ दोनों के बीच का जिसे हम बैंक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बैंक कहते हैं। दोनों के बीच में एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच जो सिस्टम इवॉल्व हुआ उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम बैंक के नाम से जानते हैं। और ये बैंक क्या है, ये बैंक दोनों के बीच की कड़ी के रूप में काम करता है, ये दोनों को मिलाता है। ये क्या करता है, ये दोनों को मिलाता है। बैंक क्या है, दोनों को मिलाता है। बैंक क्या करता है, यानी कि बैंक क्या हो गया, एक इंटरमीडिएटरी हो गया। इंटरमीडिएटरी किसके बीच, उधार क्रेडिटर एंड डेटर के बीच, उधार लेने वाले के बीच, उधार लेने वाले और उधार देने वाले के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है जिसको उधार लेना है बोरोवर और लेंडर, लेंडर और बोरोवर के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। अब बैंक क्या करता है, जिसको उधार देना है उससे पैसे लेता है, जमा करता है। ये क्या करता है, ये जमा करता है, अपने पास डिपॉजिट करता है। अब डिपॉजिट करता है तो चूंकि ये इसकी पूंजी है तो इस पूंजी का मूल्य क्या होगा, हमने डिस्कस किया है पूंजी का मूल्य क्या होता है, पूंजी का मूल्य ब्याज होती है। तो ये कहेगा कि चूंकि मेरी पूंजी है तो मैं ब्याज लूंगा, ये कहेगा जो उधार दे रहा है, ये क्या कहेगा बैंक से कि मेरी पूंजी है, कैपिटल है और मैं कैपिटल आपको दे रहा हूं, दैट्स व्हाई वी वांट, आई वांट इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करेगा, बैंक इसको डिपॉजिटर को क्या करेगा, डिपॉजिटर को बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। अब इंटरेस्ट कितना पे करेगा ये डिपेंड करता है समय समय पर, ये क्या पे करेगा, ये ब्याज देगा। अब ब्याज मान लीजिए बैंक कहेगा कि भैया मैं ये मान लीजिए 100 रुपए इसने जमा किए, 100 रुपए जमा किए तो 100 रुपए जमा करेगा तो बैंक कहेगा कि भैया मैं आपको 4% ब्याज दे सकता हूं, या डिपॉजिटर खुद कहेगा कि मैं 4% ब्याज लूंगा। तो बैंक कहेगा कि जब मैं आपको लौटाऊंगा, ये डिपॉजिटर कहेगा कि जब आप मेरे पैसे वापस लौटाना तो 4% ब्याज के साथ लौटाना, यानी कि 104 रुपए लौटाना। अब बैंक क्यों लेगा, बैंक को क्या फायदा है। तो बैंक के पास जो पैसे हो गए 100 रुपए, तो बैंक कहेगा उधार लेने वाले से, जो उधार लेना है वो ढूंढते ढूंढते आएगा और बैंक पाएगा, बैंक से कहेगा कि मुझे उधार चाहिए, तो बैंक कहेगा ठीक है मेरे पास है, मैंने खुद कर्ज लिया है। ये तो एक प्रकार से बैंक कर्जदार हुआ ना, इसका बैंक देनदार हो गया। बैंक क्या हो गया, बैंक बोरोवर हो गया और ये लेंडर हो गया, बैंक इसका देनदार हो गया। ही हैज टू द बैंक हैज टू रिटर्न द मनी डिपॉजिटेड बाय द लेंडर बिकॉज बैंक इज बोरोवर। तो इसका डिपॉजिटर का बोरोवर है तो 104 रुपए लौटाएगा। अब ये जब इसके पास 100 रुपए है तो इसको ये क्या कहेगा कि मुझे 100 रुपए देना है, आपको उधार लेना तो ले लो। तो वो कहेगा ठीक है दे दो। तो बैंक कहेगा कि भैया मैंने 104 रुपए मुझे लौटाना है तो मैं तो कम से कम 106 रुपए आपसे लूंगा, यानी कि 6% ब्याज पर आपको दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो लो। तो ये कहेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे 106% पर दे दीजिए। तो ये क्या कहेगा, 6% पर ये क्या करेगा, ये क्रेडिट दे देगा, यानी कि ये उधार दे देगा। अब जब जब ये लौटाएगा इसको तो ये कितने में लौटाएगा, 106 रुपए लौटाएगा। अब ये 106 रुपए जब बैंक को लौटाएगा तो बैंक इसको जो है 104 रुपए लौटा देगा, और जो 2 रुपए का मार्जिन हुआ, ये 2 रुपए आपका क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो गया। 2 रुपए प्रॉफिट मान लीजिए, प्रॉफिट के साथ साथ आपका खर्चा मान लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया में आप खर्चा मान लीजिए, इंटरप्रेन्योरशिप मान लीजिए, पूरी प्रक्रिया में आप अगेन बैंक का भी है तो बैंक का भी तो खर्चा लगेगा। बैंक का किराया, भूमि, लैंड है, श्रमिक काम करते हैं तो वहां पर उनको जो है मेहनताना दिया जाएगा, वेजेस दिया जाएगा, पेमेंट भुगतान किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का मूल्य होगा, प्रॉफिट लाभांश होगा। तो 2 रुपए ये इसका क्या है, पूरा का पूरा खर्चा। तो यानी कि इसका भी फायदा, इसका भी फायदा, इसका भी फायदा, तीनों का फायदा हो गया। इसको जरूरत थी तो समय पर पैसे मिल गए, इसको उधार देना बचत थी इसकी तो इसको ब्याज मिल गई, और इसको इस पूरी प्रक्रिया में प्रॉफिट भी मिल गया। इस पूरी प्रक्रिया में क्या मिल गया, इस पूरी प्रक्रिया में प्रॉफिट भी मिल गया।
तो बैंक क्या हुए, बैंक क्या है, हम क्या कह सकते हैं कि बैंक क्या है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि बैंक क्या हुआ? तो बैंक ऐसी संस्था हो गई, बैंक को यदि हम डिफाइन करें, बैंक को हम डिफाइन करें तो बैंक क्या है, बैंक क्या हो गए, बैंक ऐसी संस्था हो गई, बैंक ऐसी संस्था हो गई जो लोगों का जमा स्वीकार करती है और इसके बदले साख का निर्माण करके अग्रिम ऋण देती है। साख का मतलब क्रेडिट, साख का मतलब क्रेडिट, यानी कि बैंक डिपॉजिटर, डिपॉजिटर डिपॉजिट करता है, बैंक उसको स्वीकार करती है और यही क्या है, साख हुई और इस साख को अग्रिम ऋण प्रोवाइड करता है, जिसको कर्ज लेना है वो कर्ज उसको प्रोवाइड करता है। मीन्स एक मध्यस्थ हुआ, बैंक क्या है, एक मध्यस्थ की भूमिका में है डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच। अच्छा, बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं तो हम डिपॉजिटर हुए और बैंक क्या हुआ, बैंक हमारा कर्जदार हो गया, बैंक हमारा देनदार हो गया, बैंक देगा हमें, बैंक हमारा बोरोवर हो गया, बैंक हमारा क्या हुआ, बोरोवर, बैंक हमसे बोरो किया, हमने डिपॉजिट किया, इसका मतलब कि बैंक को एक ना एक दिन वो पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, ब्याज के साथ वापस करना पड़ेगा। तो बैंक को वित्तीय मध्यस्थ कहा जाता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्यों, इंटरमीडिएटरी तो बहुत होते हैं पर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, शादी ब्याह में भी मध्यस्थ बहुत मिल जाते हैं, तो क्या उनको मध्यस्थ, तो उनको भी बैंक कहा जाएगा? नहीं, उनको शादी ब्याह के मध्यस्थ कह सकते हैं। हर क्षेत्र में शादी ब्याह वाले मध्यस्थ विकसित होते हैं, उनको बहुत पता होता है जोड़ी मिलाने के संबंध में, कहां पर जो है वर है, कहां पर वधू है, इसके बारे में खूब पता होता है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास लोग जाते हैं कि कोई वर हो तो बताइएगा, कोई वधू हो तो बताइएगा, फिर वो क्या करते हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों का मिलन करवाते हैं और शादी ब्याह हो जाता है। बहुत अच्छा कार्य है ये, लेकिन कई बार लोग बचते भी ऐसे कि भैया हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ उनके जीवन में तो कहते हैं कि भैया ठीक है, बहुत बढ़िया आपने काम किया है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो कह देते हैं इन्होंने मिलाया था, अब वो फिर बचते रहते हैं कि ऐसे काम में हमें नहीं पढ़ना, ऐसे झमेले में। हालांकि बहुत अच्छे कार्य, किसी का जीवन जो है संवार देना, किसी को जीवन बंधन में बांध करके और उनकी जो है आगे की लाइफ जो है मार्ग प्रशस्त कर देना, अच्छा कार्य है, लेकिन फिर भी समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। तो यहां पर उनको मध्यस्थ, उस प्रकार के मध्यस्थ नहीं, वित्तीय मध्यस्थ जो वित्तीय लेन देन करवाते हैं। अच्छा, वित्तीय लेन देन में और भी है, जैसे हमारे देश में जब बैंकिंग व्यवस्था नहीं रही होगी तो क्या रहा होगा, जब बैंकिंग व्यवस्था नहीं रही होगी तो आज भी आप जानते हैं, आज भी बैंक के अलावा भी कुछ इलीगल तरीके से भी एक्टिविटीज होती है, मध्यस्थ होते हैं और बिचौलिए, जिन्हें कहा बिचौलियों के रूप में होते हैं, साहूकारों से, जमींदारों से, वो कुछ ये काम ही चलाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सामान गिरवी रखवाते हैं और वो पैसा देते हैं। पहले के जमाने में जब छोटा किसान होता था, किसान वो बेचारे के पास इनपुट किसानी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करता था, वो साहूकारों के पास जाता था कि हमें कर्ज दे दीजिए तो हम अपनी बुवाई कर लें, जब फसल कट करके आएगी तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। अब वो साहूकार क्या करता था, वो साहूकार जमीन ही लिखा देता था कि भैया यदि पैसे वापस नहीं किए तो ये जमीन मेरी हो जाएगी। अब उसकी मजबूरी होती थी, अब वो क्या करता था, अब हाई इंटरेस्ट होता था, ब्याज भारी भरकम होता था, मनमानी तरीके से ब्याज इंटरेस्ट लिया जाता था। अब वो बेचारा किसान, पता चला साल भर मेहनत की और जो खेती की, उस खेती से इतना फायदा नहीं हो पाया कि वो लौटा सके, और वो भी भारी भरकम ब्याज के साथ। तो एक तो भारी भरकम ब्याज किसी प्रकार से यदि लौटा भी पाया तो भारी भरकम ब्याज, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन, और नहीं तो उसकी जमीन जाती थी। तो ये उस समय तत्कालीन रूप से जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को ही पूरी तरह से उसका शोषणकारी व्यवस्था को बदल करके लीगलाइज किया गया और गैर शोषणकारी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसे हम बैंक के रूप में जानते हैं।
गैर शोषणकारी व्यवस्था के रूप में लाया गया, जिसे हम बैंक के रूप में जानते हैं। और बैंक स्थापित हो गए और जो लीगल तरीके से, गैर शोषणकारी तरीके से, नॉन एक्सप्लॉइटेटिव मैनर में ये कार्य करते हैं। सो मींस बैंक क्या हुए, बैंक की परिभाषा क्या हुई? अब बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय संस्थान ही हमारा टॉपिक है, विच एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो लोगों से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उधार देने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए या इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य के लिए ये पैसे लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अदरवाइज यानी कि जो चेक और बाकी वगैरह से हम सब निकाल सकते हैं पैसे को या चेक के माध्यम से, तो ये क्या कहलाता है, ये वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी होते हैं। अ बैंक इज सेड टू बी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, इट स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द सेवर्स एंड द यूजर्स ऑफ फंड, यानी कि जो बचत करता है और जो यूजर है उनके बीच फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के रूप में कार्य करता है, यानी कि वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके बैंक, ये हो गया बैंक का कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया, आपका बैंक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बैंक जो है, अब आते हैं बैंक, तो हमने समझ लिया कि बैंक क्या है, लेकिन भारत में जो बैंकिंग का विकास है, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग है, भारत में जो बैंकिंग का विकास है वो किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, भारत में आज जो वर्तमान में बैंक्स हैं ये कब कब विकसित हुए, कैसे विकसित हुए, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है, इस बैंकिंग व्यवस्था को हम कई फेजेज में, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, इसको कई फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बैंकों का विकास क्या है, भारत में बैंकों का विकास, भारत में बैंकों का विकास, भारत में जो बैंकों का विकास हुआ उसको हम कई फेजेज में, कई चरणों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम कई चरणों में, वी कैन डिवाइड इनटू मल्टीपल फेजेज, मल्टीपल फेजेज, या पूरे के पूरे जो विकास है उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भागों में कैसे, एक भाग जो है वो स्वतंत्रता से पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता पूर्व, और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकों का विकास। अभी जो स्वतंत्रता के पूर्व है, पहले तो हम इसको डिस्कस करें, यानी कि ऐतिहासिक काल में ब्रिटिश काल की बात हो रही है, ब्रिटिश ऐतिहासिक काल, ब्रिटिश हिस्टोरिकल पीरियड की बात हो रही है। जो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में बैंकिंग का विकास हुआ, इसको भी हम कई चरणों में, कई फेजेज में, कई चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम चरण को हम लेते हैं 1860 तक, जो फेज फर्स्ट है उस फेज फर्स्ट को लेते हैं टिल 1806 तक। अब 1806 क्यों ले रहे हैं, 1806 लेने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई कारण होगा कि क्यों आखिरकार हम 1806 ले रहे हैं। 1806 में कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ होगा जिसके कारण हम 1806 ले रहे हैं। दूसरा जो फेज है, फेज सेकंड है, इस फेज सेकंड को हम लेंगे क्या, 1806 से लेकर के 1860 तक, 1860 सेकंड फेज।
अब इसका मतलब इस 1860 यदि हम डिवाइडिंग लाइन ले रहे हैं 1806 के बाद, तो इसका भी कोई ना कोई ऐतिहासिक महत्व होगा बैंकिंग के क्षेत्र में विशेषकर, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ऐसा। इसके बाद यदि फेज थर्ड हम लेंगे, इसके बाद यदि हम फेज थर्ड लेंगे, तो फेज थर्ड में 1860 से लेकर के 1860 से लेकर के 1921 तक। अब 1860 से 1921 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1921 का भी विशेष कोई ना कोई महत्व होगा, 1921 का भी कोई ना कोई विशेष रूप से महत्व होगा, तो 1921 का विशेष रूप से क्या महत्व है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फेज जो फोर्थ है, इस फोर्थ पेज को यदि लें तो ये 1921 से लेकर के स्वतंत्रता तक, टिल इंडिपेंडेंस 1947 तक, या इवन हम 1949 तक ले सकते हैं, या 1955 जब तक लेना हो तब तक ले सकते हैं। ये चार पेजेज में स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में बैंकों का विकास है, स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत में बैंकों का विकास है, उसको हम चार पेजेज में, चार चरणों में समझ सकते हैं। चार पेजेज में, चार चरणों में हम उसको समझ सकते हैं। वो चारों चरण आपके, वह चीज जो मैंने आपको लिखी है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। भारत में बैंकों के विकास के लिए निम्नलिखित चरणों में हम बांट सकते हैं, टिल 1806, टिल 1806 यानी कि 1860 तक का, 1806 से 1806 तक का समय, 1806 से 1860 तक का समय, इसके अलावा 1860 से 1921 तक का समय, और 1921 से लेकर के स्वतंत्रता पूर्व तक का, यानी कि लगभग आपका स्वतंत्रता तक का समय, और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद। ये भारत में बैंकों का विकास है। अब भारत में बैंकों के विकास को, पूरी प्रक्रिया को पहले 1806 को समझते हैं, यानी कि 1806 तक आखिरकार भारत में कौन से बैंक खुले, कैसे बैंक खुले, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 1806 से लेकर के 1860 तक कौन कौन से बैंक खुले, फिर 1860 से लेकर के 1921 तक कौन कौन से बैंक खुले, फिर इसके बाद 1921 से स्वतंत्रता पूर्व तक कौन कौन से बैंक खुले, और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से बैंक खुले, इनको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से हम लोग इनको जानेंगे, ध्यान से हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये आपके भारत में बैंकों का विकास। लेकिन भारत में बैंकों के विकास के इस टॉपिक को लेने के पहले दोस्तों, हम लोग कुछ मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेकर के आज इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, एक ही कंटिन्यूअस क्लास में यदि होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, और 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद हम पुनः जो है मिलते हैं। क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, 10-15 मिनट का ब्रेक इसी लिंक पर ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं लाइव ज्वाइन कर रहे हैं या रिकॉर्डेड देखेंगे तो उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जो लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं सो उन्हें भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। 10-15 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए, इसके बाद पुनः मिलते हैं इसी क्लास की लिंक में, इसी लिंक में तो कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। ठीक है, चलिए। चलिए, सो यहां पर यदि आप देखें तो भारत में जो बैंकिंग का विकास है उसके कुछ इनिशियल जो फैक्ट्स हैं वो इनिशियल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में संयुक्त स्टॉक किस्म का, संयुक्त स्टॉक किस्म का मतलब संयुक्त पूंजी लगी हुई हो, कई लोगों की इकट्ठी पूंजी आप कह सकते हैं। तो संयुक्त स्टॉक किस्म के वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक, जिसका व्यापारिक उद्देश्य यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसका कॉमर्शियल पर्पज हो, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव हो, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि प्रॉफिट कमाना, यानी कि बेचना, उत्पादन करके बेचना और प्रॉफिट कमाना, खरीद बिक्री करना, कुल मिलाकर के
उद्देश्य ये है कि वेलफेयर के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, बल्कि वाणिज्यिक उद्देश्य है उसका, प्रॉफिट कमाना है। कि शुरुआत जो दुनिया में भी प्रचलित थी, जो दुनिया में भी प्रचलित थी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में देखी जा सकती है। यानी कि भारत में जो बैंकिंग की शुरुआत है, वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक की जो शुरुआत इनिशियल फेज माना जाए, तो वो ये माना जाए कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये शुरू हुआ। द बिगनिंग ऑफ द कॉमर्शियल बैंकिंग ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक वैरायटी दैट प्रिवेल्ड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली 18th सेंचुरी। संयुक्त स्टॉक बैंकिंग की पश्चिमी किस्म की कलकत्ता और बॉम्बे के अंग्रेजी एजेंसी घरानों, यानी कि इंग्लिश एजेंसी आप ये कह सकते हैं कि जो उस समय की कलकत्ता और बॉम्बे में जो एजेंसीज थी, उनके माध्यम से ये जॉइंट स्टॉक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भारत में प्रचलित हुआ, यानी कि शुरुआत हुई। अब यहां पर यदि बात करें तो भारत में जो पहला बैंक माना जाता है, आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसके पहले एक और फैक्ट 1720 का, काफी पहले का, जैसा हमने डिस्कस किया कि शुरुआती इनिशियल फेज में 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही, द फर्स्ट बैंक ऑफ जॉइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे। ये बैंक ऑफ बॉम्बे जो है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में खुला था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में स्थापना हुआ था। ये जॉइंट स्टॉक किस्म का, जॉइंट स्टॉक वैरायटी का, संयुक्त किस्म का जो बैंक था, ये 1720 में बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जानते हैं। ये द फर्स्ट बैंक ऑफ जॉइंट स्टॉक वैरायटी वाज बैंक ऑफ बॉम्बे एस्टैब्लिश्ड इन 1720 इन बॉम्बे। दिस वाज फॉलोड बाय बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद जो है, काफी समय, लगभग 50 साल बाद 1720 में, आप ये कह सकते हैं कि 1720 में इनिशियल फेज रहा, 1720 में शुरुआत हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो है, कब, लगभग 50 साल बाद कलकत्ता में एक बैंक स्थापित हुआ, जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। और ये जो बैंक है, ये बैंक खोला गया था, ये जितने भी बैंकिंग व्यवस्था है, ये प्राइवेट कॉन्सेप्ट था, सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी कि निजी बैंक के रूप में आप ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक के का कॉन्सेप्ट था, कई लोगों ने मिलकर के, आप कई लोगों की पूंजी आप कह सकते हैं, कंपनी की पूंजी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स की पूंजी कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा, एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी, एजेंसी हाउस ऑफ अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की शुरुआत हुई 1770 में, 1770 में ये शुरुआत हुई। इसके बाद एक बैंक खुला 1773 में, जिसको कहा जाता है जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, which came into existence in 1973 after a proposal by governor, later governor general Warren Hastings, proved to be short-lived experiment. यानी कि गवर्नर जनरल के प्रयासों से, गवर्नर जनरल के उस तत्कालीन रूप से गवर्नर के जो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स थे, उनके प्रयास से ये एक शुरुआत हुई। हालांकि वो ज्यादा दिन तक सफल नहीं रहा, कुछ ही सालों में वो जो समाप्त हो गया, जिसको कहा जाता है जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये जो है 1773 में आया, ये शुरुआती बैंकिंग 1770 1773, ये शुरुआती बैंकिंग व्यवस्था, या आप ये कह सकते हैं कि प्रयोग हो रहे थे भारत में बैंकों के विकास के, लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि असफल ही थे। इसमें सरकार की जो भूमिका थी, सरकारों की भूमिका, सरकार की पूंजी जो है, वो ना के बराबर थी या थी ही नहीं, और इस प्रकार से ये बैंकिंग जो है पूरी तरह से विकसित, बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई। जब दूसरा चरण आता है, यहां पर सरकार की भूमिका आती है, और दूसरे चरण में यदि हम बात करें तो दूसरा चरण कहा जाता है भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना का चरण, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स, द फेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रेसिडेंसी बैंक्स। पहले प्रेसिडेंसी का समझिए, प्रेसिडेंसी उस समय तत्कालीन रूप से तीन प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता, एक यानी कि बंगाल, दूसरा आपका बॉम्बे, और तीसरा जो है मद्रास। ये प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जहां पर गवर्नर शासन करते थे, रूल करते थे, आप सभी को पता है ब्रिटिश काल में। तो कुछ ऐसे बैंकों की स्थापना हुई जो रॉयल चार्टर्स के माध्यम से, रॉयल चार्टर्स का मतलब कि क्राउन का आदेश या उनके अधिनियम, उनके कानून, उनके नियमों के अनुसार संचालित होते थे, उन बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। उनको शुरुआती दौर में सीमित तौर पर करेंसी नोट्स भी इशू करने का अधिकार था। तो ये जो प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई, वो प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की शुरुआत सबसे पहले 1806 होती है, 1806 में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है।
इसके बाद बैक टू बैक तीन बैंक जो है प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए, और प्रेसिडेंसी बैंक जो पहला बैंक था, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंसी बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि उतनी ज्यादा बैंकिंग व्यवस्था यहां पर थी नहीं और व्यापार और वाणिज्य में बैंकिंग की आवश्यकता थी। रिमिटांसेस जो ब्रिटिश अधिकारी यहां पर कमाते थे, जो प्राप्त करते थे लाभांश, उसको वहां पर भेजना होता था ब्रिटेन में, इन सब की व्यवस्था के लिए बैंकों की आवश्यकता थी। ट्रेड वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन कलकत्ता, कलकत्ता के आसपास ट्रेड जो है पूरा संकेंद्रित था। द ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद दिस ग्रू द रिक्वायरमेंट फॉर मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज, यूनिफॉर्म करेंसी एंड टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एंड रिमिटेंसेस बाय ब्रिटिश आर्मी पर्सनल एंड सिविल सर्वेंट्स। यानी कि मॉडर्न बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी डे बाय डे ग्रो कर रही थी, बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, और इसके साथ साथ यूनिफॉर्म करेंसी की भी आवश्यकता थी कि एक समान करेंसी हो, और उसके लिए और साथ ही साथ जो विदेशी व्यापार था, विदेशी व्यापार को वित्तीय पोषण करने के लिए आवश्यक था कि भारत में एक बैंकिंग व्यवस्था की, इस मजबूत बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना हो। और इसीलिए सबसे पहले चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया था 1773 में, अब यहां पर जो है इसके बाद जो है सबसे पहला बैंक प्रेसिडेंसी बैंक, यानी कि विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी, पहला प्रेसिडेंसी बैंक जो ओपन किया गया वो बैंक ऑफ कलकत्ता था। क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। हालांकि पूरी पूंजी नहीं लगी थी, अब हम डिस्कस करेंगे। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में स्थापना हुई, के नाम से प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। अब आपके मन में यह होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक तो बैंक ऑफ बंगाल था, एक्चुअल में यह बैंक ऑफ बंगाल ही है जिसको शुरुआती नाम, जिसका शुरुआती नाम क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका शुरुआती नाम क्या था, इसका शुरुआती नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। 1809 में, तीन साल बाद जब स्थापित हुआ था 1806 में, तो इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, लेकिन तीन वर्ष के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम जो है बदल करके क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। यह बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के सक्रिय सहयोग से खोला गया था। ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के सक्रिय सहयोग से खोला गया था। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, ये प्रेसिडेंसी बैंक था और गवर्नमेंट ऑफ बंगाल, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इस बंगाल प्रेसिडेंसी के सपोर्ट से यह बैंक ओपन किया गया था, उनके सहयोग से बैंक ओपन किया गया था। सो ये आपका फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ कलकत्ता आप कह सकते हैं 1806 में स्थापित हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने जो बैंक, भारत में बैंकों का विकास पढ़ा, उसमें 1806 को लिया, क्योंकि 1806 से शुरुआत होता है दूसरा चरण जब प्रेसिडेंसी बैंकों का काल आता है। उसके पहले तक जो प्राइवेट स्टार्टिंग हुई वो हमने डिस्कस किया 1720 और 1770 और 1773 में। फिर प्रेसिडेंसी बैंक का फेज आता है, चरण आता है, दूसरा चरण आता है, और ये दूसरा चरण आपका बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, 1809 में इसका नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। 1840 में दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया 1840 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे में दूसरा, यानी कि सेकेंड प्रेसिडेंसी में भी है, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में बैंक खोला गया, इसके बाद जो है आपका सेकेंड बैंक जो खोला गया प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे। हालांकि वो काफी वर्षों के बाद, लगभग 34 वर्षों के बाद जो है वो बैंक खोला गया। कब खोला गया था? 1840 में, और इसके जस्ट तीन साल बाद तीसरे प्रेसिडेंसी में भी बैंक खोला गया, प्रेसिडेंसी बैंक, जिसका नाम था प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ मद्रास। क्या था? बैंक ऑफ मद्रास। इसू करने का भी पावर था इनके पास जो 1862 में गवर्नमेंट द्वारा खुद ले लिया गया प्रेसिडेंसी, यानी कि 1800, अब हम अभी डिस्कस करेंगे, 1860 में हमने जो दूसरा चरण पढ़ा है वो दूसरा चरण क्या पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, हमने ये डिस्कस किया, हमने पहला चरण डिस्कस किया 1806 के पहले, पहला चरण जो हमने डिस्कस किया वो 1806 के पहले, बिफोर 1806। इसके बाद जो दूसरा चरण हमने डिस्कस किया वो दूसरा चरण हम कह रहे हैं
कब से? 1806 से लेकर के 1860 तक का। अब ये 1806 से लेकर के 1860 तक का जो दूसरा चरण था, जो 1806 से लेकर के 1860 तक का जो दूसरा चरण था, इस चरण में हमने यहां पर देखा पहले कि प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई, प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। अब प्रेसिडेंसी बैंक की जो स्थापना हुई वो 1806 में हुई, 1840 में हुई, 1843 में हुई। लेकिन इसके बाद हम दूसरा चरण की समाप्ति कह रहे हैं और तीसरे चरण की जो थर्ड फेज की शुरुआत हम कह रहे हैं, वो थर्ड फेज की शुरुआत हम कह रहे हैं कि 1860 के बाद होती है। अब 1860 हम क्यों ले रहे हैं? एक्चुअल में इन प्रेसिडेंसी बैंक को सीमित तौर पर नोट जारी करने का भी अधिकार था, शक्ति थी, सीमित तौर पर नोट जारी करने की शक्ति। लेकिन 1860 में एक अधिनियम पारित हुआ और उस अधिनियम के माध्यम से ये जो नोट जारी करने की शक्ति थी ये वापस ले ली गई थी बैंकों से, और इसीलिए हम दूसरा फेज जो ले रहे हैं वो 1860 तक ही ले रहे हैं और तीसरा फेज जो शुरू होता है वो 1860 से शुरू होता है। तो प्रेसिडेंसी बैंकों का जो फेज था, जो चरण था, वो दूसरा फेज था। भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत है, इवोल्यूशन है, जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था का जो विकास है, वो विकास में हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था की जो शुरुआत है, शुरुआती दौर पर किस प्रकार से भारत में बैंकों का विकास हुआ, ये हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। चरण बाई चरण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फेज बाई फेज किस प्रकार से भारत में बैंकों का विकास हुआ। अब यहां पर यदि हम देखें, यहां पर ये हमने तीनों बैंकों का डिस्कस कर लिया कि लिमिटेड वे में जो है प्रेसिडेंसी बैंकों के पास नोट जारी करने का भी अधिकार था, करेंसी इशू करने का भी अधिकार था। अब प्रेसिडेंसी बैंक की थोड़ी सी यदि हम और बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक हुआ था बैंक ऑफ बंगाल। जो पहला प्रेसिडेंसी बैंक था वो बैंक ऑफ बंगाल था, और ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 2 जून 1806 को, और जो पूंजी थी इसमें टोटल 50 लाख की पूंजी के साथ, फर्स्ट तत्कालीन रूप से उस समय 50 लाख, कब? 1806। आज बैंक में 50 लाख पता नहीं चलता है, उस समय 50 लाख हो सकता है कि अरबों खरबों के बराबर रहे कि कीमत उस समय की तत्कालीन रूप से। सो द गवर्नमेंट सब्सक्राइब 20% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, यानी कि 50 लाख में से 20% 20 लाख नहीं 20% और 20% के लगभग कितना आएगा 10 लाख के आसपास, 20% शेयर वो गवर्नमेंट के लिए, बाकी के 40% वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास थे। एंड शेयर द प्रिविलेज ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार था कि वो चूंकि 20% शेयर थे तो डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करने में भी भूमिका होती थी और वोटिंग राइट्स के साथ। The bank was given powers to issue notes in 1823, जो 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुआ था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम 1809 में क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल, उसको जो है 1823 में करेंसी इशू करने का भी पावर दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। फिर इसके बाद 1840 में हमने कहा कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई 1840 में। ये जो इसकी पूंजी थी, इनिशियल कैपिटल थी जिसके साथ ये बैंक स्टार्ट हुआ, वो 52 लाख के साथ, 50 लाख के साथ ये, 52 लाख के साथ ये, और तीसरा जो बैंक ऑफ मद्रास था जो 1843 में शुरू हुआ, इनिशियल कैपिटल जो होती इसकी 30 लाख रुपए के साथ, जो शुरुआती पूंजी थी वो शुरुआती पांच पूंजी 30 लाख रुपए के साथ ये बैंक जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहां पर यदि हम देखें तो ठीक है, अब यहां पर यदि हम देखें तो ये जो बैंक थे, थोड़ा सा प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में हम समझ लेते हैं। हमने डिस्कस भी किया कि प्रेसिडेंसी बैंक क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे तीन प्रेसिडेंसी में स्थापित किए गए थे। प्रेसिडेंसी बैंक क्यों कहा गया? क्योंकि तीन प्रेसिडेंसी बैंक में स्थापित किए गए थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट था इन प्रेसिडेंसी बैंकों में, बैंक भले किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट का सपोर्ट था, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के रूप में ही थी,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देश में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की इकाइयां थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिस्डिक्शन था उसके लिए तीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ज्यूरिस्डिक्शन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी प्रशासनिक क्षमता को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसमें आपका एक आता है कलकत्ता, एक आता है आपका बॉम्बे और एक आता है आपका मद्रास। प्रेसिडेंसी बैंक रॉयल चार्टर्स के द्वारा शासित होते थे। रॉयल का मतलब अब क्राउन, यानी कि उनके आदेश के द्वारा, ब्रिटिश शासन के आदेश के द्वारा, या क्राउन के शासन, क्राउन के आदेश के द्वारा, ये भी आप कह सकते हैं। प्रेसिडेंसी बैंक ने कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 के अधिनियमित होने तक मुद्रा नोट जारी किए। मैंने आपको बताया कि 1860 का पेज मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1861 में एक अधिनियम बना जिसका नाम था पेपर करेंसी एक्ट। इस पेपर करेंसी एक्ट के पारित होने तक 1862 तक ये इन्होंने बैंक नोट जारी किए, और इसके बाद जो है इनको बैंक नोट जारी करने का जो अधिकार था, ये बैंक नोट जारी करने का अधिकार इनसे वापस ले लिया गया। When the right to issue currency notes by the presidency banks was abolished and that function was entrusted to the government. यानी कि 1800 करेंसी पेपर करेंसी एक्ट 1861 के पारित होने तक, 1862 में जो लागू हुआ, 1862 तक प्रेसिडेंसी बैंक के पास जो है करेंसी इशू करने का पावर था, लेकिन 1862 में ये करेंसी इशू करने का जो अधिकार है जो प्रेसिडेंसी बैंक के पास था वो वापस ले लिया, और सरकार ने खुद शुरू किया, यानी कि करेंसी इशू करने का जो कार्य है वो सरकार ने खुद शुरू कर दिया। ये आपका जो है ये प्रेसिडेंसी बैंकों का काल था। इसके बाद आती है विनियमन भी थोड़ा सा इनका देख लेते हैं। रेगुलेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनका रेगुलेशन बैंकों के लिए पहला औपचारिक विनियमन, यानी कि बैंकों को विनियमित कौन करता था, रेगुलेट कौन करता था, इसके लिए सबसे पहली बार जो जिस अधिनियम, स्वाभाविक सी बात है हमारे यहां वर्तमान में भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, तो उस समय जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था पहली बार, वो 1850 में कंपनी अधिनियम का अधिनियम था, 1844 में ग्रेट ब्रिटेन में पारित हुआ था, और इसी आधार पर यहां पर भी पारित हुआ आधारित अधिनियम। इस अधिनियम ने 1860 तक बैंकिंग और बीमा कंपनियों के लिए असीमित देयता निर्धारित की। असीमित देयता और सीमित देयता का मतलब हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो 1860 का काल है, जैसे मैंने कहा कि तीसरा पेज 1860 तक ही था और चौथा पेज दूसरा पेज 1860 तक था, और 1860-1861 में पेपर करेंसी एक्ट पारित हुआ, और पेपर करेंसी एक्ट पारित होने से जो बैंकों को, जो प्रेसिडेंसी बैंक को नोट इशू करने का अधिकार था, वो नोट इशू करने का अधिकार बैंकों से वापस ले लिया गया प्रेसिडेंसी बैंक से, और गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। लेकिन इसके बीच 1860 में एक और अधिनियम पारित होता है रेगुलेशन से संबंधित। 1850 में जो अधिनियम पारित हुआ था उस अधिनियम के अनुसार ये था कि बैंकों के पास असीमित देयता का कॉन्सेप्ट था, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी का पहले मतलब समझ लीजिए दोस्तों। लिमिटेड इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी ऊपर लागू होता था रेगुलेशन, वो 1850 का जो अधिनियम बना था, इसके तहत मतलब ये होता है असीमित देयता पूर्ण कानूनी जिम्मेदारी को संदर्भित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यवसाय के मालिक और भागीदार सभी व्यवसायिक ऋणों के लिए ग्रहण करते हैं, यानी कि कोई हमारा पैसा लेता है, बैंक हमसे पैसा लेता है, जमा करता है, तो भैया हमको भले ही मालिक जो ऑनर है उनका घर बिके, लेकिन हमारा पैसा वापस देना पड़ेगा। मीन्स यह दायित्व सीमित नहीं है, और दायित्वों का भुगतान मालिकों की व्यक्तिगत संपत्तियों की जब्ती और बिक्री के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि लोकप्रिय सीमित देयता व्यवसाय संरचना से अलग है। असीमित देयता का मतलब यह है कि भैया जितनी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगी ना, तो भी हम आपसे, चूंकि हमारा बैंक में पैसा जमा है, तो हम अपना पैसा वापस लेंगे। ये बैंकों के, उस समय बैंकों के लिए नियम था, कानून था, अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि असीमित देयता। तो लोग डरते थे बैंक खोलने से कि भैया यदि हम डूब गए तब भी हमारा घर बिक जाएगा। तो 1860 में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद खूब बैंक खुले, पहले प्रेसिडेंसी बैंक ही खुलते थे, इसके बाद पूरी लाइन ही लग गई बैंक के खुलने की।
क्योंकि 1860 में लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, सीमित देयता का। लिमिटेड लायबिलिटी इज अ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट लिमिट्स द एक्सटेंट ऑफ एन इकोनॉमिक लॉस टू असेट्स इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट कीप्स द पर्सनल असेट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स, जिसमें यह रखा गया कि भैया जितनी संपत्ति हमने उस बैंक में लगाई है उसी संपत्ति से आप अपना वापस ले सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत संपत्ति पर, व्यक्तिगत पूंजी पर आज नहीं आएगी, ये लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी तो है लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं। तो 1860 में जैसा हमने डिस्कस किया कि 1860 का जो दूसरा चरण है, एक और कारण से 1860 हम ले रहे हैं कि कुछ पहले असीमित देयता थी तो प्रेसिडेंसी बैंक खुले, फिर 1860 में सीमित देयता का कॉन्सेप्ट आया तो प्राइवेट बैंक भी खुले, यानी कि अपने निजी बैंक भी खोलने स्टार्ट हुए। अभी हम देखेंगे कितने बैंक खुलते हैं उसमें, जैसा कि दुनिया में 1860 में भारतीय कानून में ब्रिटेन में इस तरह के उपायों का पालन किया करते हुए सीमित दायित्व के सिद्धांत की अनुमति दी। सीमित देयता के कारण इस अवधि के दौरान बैंकिंग कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे के पतन के साथ न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1868 में हुई। प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम जो 1876 में अस्तित्व में आया, तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को एक कॉमन कानून के तहत और उनके व्यवसाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए। प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो 1876 में जो प्रेसिडेंसी बैंकों के रेगुलेशन के लिए एक अलग अधिनियम बनाता है, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के लिए, वो 1876 में बना था। बैंकिंग बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह अधिनियम बनाया गया था 1860 में रेगुलेट करने के लिए, 1850 में ही उसी में संशोधन कर दिया गया 1860 में। इसके बाद जो तीसरा फेज आता है इसमें फिर बैंकों की वृद्धि हुई, और वो कौन सी वृद्धि हुई, और ये जितने भी बैंक्स खोले अब जो तीसरे फेज में, तीसरे चरण में, ये प्राइवेट ऑनरशिप के साथ खुले, यानी कि निजी स्वामित्व में खुले। उसमें 1865 में इलाहाबाद बैंक, 18 जो मर्ज हो गया, 1861 में अवध कॉमर्शियल बैंक। ये जो अवध कॉमर्शियल बैंक है, अवध का जो क्षेत्र है फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है ये, और यहां पर 1881 में ये जो बैंक खुला था ये सीमित देयता के आधार पर स्थापित पहला बैंक था, सीमित देयता लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। इसके पहले के जो बैंक थे वो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ खोले गए थे। सीमित देयता के साथ खुला जो भारत का पहला बैंक था वो था आपका कौन सा, सीमित देयता के आधार पर खुला जो पहला बैंक था वो था आपका अवध कॉमर्शियल बैंक। इस बैंक में पूर्णतः भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और इस प्रकार भारतीयों द्वारा संचालित ये पहला बैंक था। दो तथ्य आपको अवध कॉमर्शियल बैंक से मिले, एक तो सीमित देयता के आधार पर खोला गया भारत का पहला बैंक जो था वो अवध कॉमर्शियल बैंक था। ऐसा बैंक जो पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सभी भारतीय थे, वो थे आपके कौन, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद खुला पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, जो अभी तक भी संचालित है, एक प्रकार से सबसे पुराना बैंक आप कह सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला ऐसा बैंक था जो पूर्णतः भारतीय पूंजी के द्वारा शुरू किया गया था और आज भी संचालित है, और आज भी पूर्णतः भारतीय पूंजी के साथ ओपन किया गया बैंक, पूर्णतः भारतीय पूंजी के साथ। इसमें पूर्णतः भारतीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और ये भारतीयों के द्वारा संचालित था, लेकिन पूरी की पूरी पूंजी ये जो खुला था ये कहां पर, लाहौर में खुला था। ये कहां पर खुला था, ये लाहौर में खुला था। तो पूर्णतः इंडियन कैपिटल जिसमें इन्वेस्ट की गई थी वो थी आपकी कौन सी, तो ये आपका तीसरा फेज, ये तीसरे फेज में बैंकों का विकास। अच्छा, यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी कि 1860 से लेकर के हमने 1901 ये जो चरण लिया है, हमने 1860 से लेकर के 1921 का चरण लिया है। अब 1921 के पहले मैं आपको बताता हूं, 1914 में, 1914 के पहले यदि हम बात करें, 1914 के पहले 1906 तक हम बात, 1906 की बात करें
तो 1906 के आसपास का जो समय था यह स्वदेशी मूवमेंट का समय था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। जब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो स्वदेशी 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 बैंक भी खूब खुले, भारतीयों ने खूब बैंक खोले, केनरा बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मैसूर, एक के बाद 1906, 1908, 1911, 1913 भारतीय बैंकों की बैंक में स्थापित हुई। लेकिन अब यहां पर देखिए 1906 में जैसे मैंने कहा स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1906 प्रोवाइडेड अ ग्रेट इंपीटस टू द ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स ऑफ इंडियन ओनरशिप एंड मेनी मोर इंडियन कॉमर्शियल बैंक सच एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ मैसूर वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1913। लेकिन 1906 के ये जो 1906 से लेकर के 1914 तक, 1914 के बाद शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो गया तो भैया बैंक आ गए घाटे में। लेकिन इस समय जो कॉपरेटिव बैंक थे वो नहीं आए घाटे में, लेकिन ये बैंक जो है ये घाटे में आना शुरू हो गए। जब घाटे में आना शुरू हो गए तो धीरे धीरे बैंकों का जो क्रेज था खुलने का वो डाउन हो गया और बैंक कंसोलिडेशन का समय आया। बैंक कंसोलिडेशन का कि बैंकों को मजबूत किया जाए या बैंकों को मर्ज किया जाए, हमें 1921 का काल पढ़ेंगे। 1921 जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व युद्ध के बाद यही आया, बैंकों का जो खोलने के जो ज्यादा से ज्यादा बैंक जो खोले जा रहे थे उनमें थोड़ा सा कमी आई, और कमी आने के कारण जो है अब हम जो नेक्स्ट काल लेंगे चतुर्थ चरण, और चतुर्थ चरण जो है हम ये आज की क्लास में नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो चौथा चरण था जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हमारा जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उनका क्या हुआ, किस प्रकार से इंपीरियल बैंक ऑफ स्टार्ट हुआ बना, किस प्रकार से फिर आरबीआई बना, किस प्रकार से रेगुलेशन हुआ, इन सब सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए आप सभी को इतना ही आज के लिए इस क्लास में। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्लास कंप्लीट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कंप्लीट बैचेज हैं जो आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर अपनी तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में कोर्सेस यदि आप करना चाहते हैं, आपने तैयारी अभी शुरू की है या तैयारी के बीच में है, प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत ही बेहतरीन बैचेज अवेलेबल हैं, बेहतरीन एजुकेटर्स हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से अपना सिलेबस घर बैठे बहुत ही किफायती तरीके से बहुत ही कम दाम पर अपने कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं पर भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये मेंस का बैच है, ये प्री प्लस मेंस का बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेंस का बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये फॉरेस्ट सर्विस मेंस का बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉरेस्ट सर्विस मेंस, इन सभी के लिए आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। एसआई का बैच भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी बैचेज हैं अपकमिंग बैचेज हैं या कोर्स हो चुके हैं वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब को के लिए आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है। ये अभी ऑफर भी चल रहा है, बेहतरीन ऑफर आप सभी के लिए, ऑफर जो है जिसमें आप यदि एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, और आपको इसके साथ साथ डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्काउंट के लिए और ऑफर का फायदा उठाने के लिए ये रेफरल कोड है TANBEY, इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अपना सब्सक्रिप्शन जरूर सुनिश्चित कर लें। रेफरल कोड याद रखिएगा TANBEY, इस रेफरल कोड के साथ आपको इंस्टेंट डिस्काउंट पर सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। इवन इस रेफरल कोड का प्रयोग आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, इस रेफरल कोड का प्रयोग आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।